हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि प्रदेश का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले की तरह ही कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही विधानसभा पेपरलेस होगी जिससे करीब 15 करोड़ सालाना की बचत होगी। साथ ही पेपर की बचत के चलते पर्यावरण को भी काफी लाभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, इनसे बात। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कल एक एमओयू साइन हुआ, कब तक ये जो विधानसभा है पूरी तरह से जो पेपरलेस वो हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि शुरू से ही मेरा ये प्रयास रहा है कि जितनी जल्दी हो सके हम विधानसभा को पेपरलेस करें। हमने लगभग एक साल पहले ये प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोविड के कारण वो उसके अंदर कुछ देरी आई। और कल ही हमने जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के साथ और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये पूरी की पूरी विधानसभा हम पेपरलेस करेंगे। उसके अंदर 60% जो पैसे हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देगी, और ये जो 40% है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से पैसे मिलने वाले हैं। सर, क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है जो यह जो पेपरलेस विधानसभा है, इसमें क्या क्या कुछ होना है? कहीं ना कहीं जो जो खर्चा आता था उसमें भी कुछ सुधार होगा? देखिए, कल ही जो बात हो रही थी कि लगभग 15 करोड़ रुपए का साल का जो पेपर के ऊपर हमारा खर्चा होता था वो हमारा कम होने वाला है। और मैं समझता हूँ इससे जो पेपर लगता था एक पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज पेड़ों की बहुत कमी है, पेड़ उतने नहीं लगते, और पेड़ों का जो कागज के अंदर इस्तेमाल होता है वो पेड़ों के लकड़ी का होता है। तो उस दृष्टि से भी मैं समझता हूँ पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक है। सर, एक जो विधायक हैं उनको इसके लिए कुछ खास तरह से की ट्रेनिंग दी जाएगी? कहीं ना कहीं जो आईटी के क्षेत्र में हर आदमी अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, तो उसको देखते हुए क्या? देखिए, अभी जो हमारा एमओयू साइन हुआ है उस एमओयू के अंतर्गत जो अपने ई नेवा जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के साथ एग्रीमेंट है। नेवा हमें 3 साल तक हमारे सभी विधायकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष का समय काफ़ी लंबा है, और जल्दी ही आजकल पढ़े लिखे युवा विधायक हैं, जल्दी ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि 5 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है, कोरोना भी जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोबारा से अपने तेजी से पैर पसर रहा है, उसको लेकर क्या जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाएगा सर? निश्चित तौर पर जो MHA की गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, जो सिटिंग का हमने अंदर अरेंजमेंट किया है वो 6 फुट की दूरी के हिसाब से किया है, उसके अलावा चाहे वो मास्क है, चाहे ग्लव्स हैं या सैनिटाइजेशन है, उसको हमने पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की है। उसके अलावा जिस जो हमारे विधायक या अन्य कोई भी विधानसभा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबका जो थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात ही एंट्री होगी, और अगर थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर कहीं कोई पॉजिटिव साइन किसी को देखने को मिलते हैं या टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो उसके लिए हम एक आइसोलेशन सेंटर वहाँ पर बनाएंगे, उसको उसके पश्चात वहाँ उसमें रखेंगे, और उसका पूरा एंटीजन टेस्ट होने के पश्चात अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं है फिर हम उनको एंट्री देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है जो कोविड की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हुए जो विधानसभा सत्र है उसकी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज चंडीगढ़।